हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नाम है उसका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्लास टेंथ का साइंस का चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, हमारी आईज के स्ट्रक्चर के बारे में, हर पार्ट जो है आईज का कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें डिफेक्ट्स कौन से होते हैं, आईज का काम होता है देखना, तो देखने में कौन कौन सा डिफेक्ट आता है वो देखेंगे। मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेसबायोपिया है, इसके अलावा एक और होता है कैटरैक्ट, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये तो हो गया ह्यूमन आई से। उसके बाद कलरफुल वर्ल्ड में, कलरफुल वर्ल्ड की अगर बात करें तो हमें आसमान में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल एक पैटर्न दिखता है जिसको हम रेनबो बोलते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है और स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, शाम के टाइम पे जो सूरज है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्यों दिखाई देता है और रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, ये सारी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ह्यूमन आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द रेनबो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये 7 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि ह्यूमन आई जो है, हमारी आंख, उसका साइज जो होता है यानी डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी आईज या आपकी आईज, तो मैं आपको बता दूं कि एक छोटे से बच्चे की आईज का साइज और एक बूढ़े इंसान के आईज का साइज सेम होता है। मेल हो या फीमेल हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, चाइना से हो या अफ्रीका से, हर इंसान की आंख का साइज 2.3 सेंटीमीटर होता है और ये लाइट सेंसिटिव ऑर्गन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे तो काफ़ी छोटे होते हैं तो उनकी आईज का साइज भी सेम। हाँ जी, बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए तो बच्चे बड़े क्यूट से बड़े प्यारे दिखते हैं, क्योंकि उनकी जो आईज है वो बड़ी बड़ी होती है। अब आईज में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले ये देखो, सबसे बाहर का जो ये पार्ट है, ये वाला, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। इसका क्या काम होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बीच में, सॉरी कॉर्निया नहीं, आयरिस बोलते हैं, ये ऊपर और नीचे जो है आयरिस है, आयरिस के बीच में ये छोटा सा होल आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। ये जो बड़ा सा वाइट कलर का पोर्शन है ये है लेंस, ये कन्वेक्स लेंस होता है। अब कन्वेक्स लेंस के ऊपर और नीचे ये आपको मसल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम सिलरी मसल्स बोलते हैं। और इसके बाद ये लास्ट में ये येलो कलर की एक स्क्रीन सी दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं रेटिना। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। इतने सारे पार्ट्स होते हैं आईज में, वो सारे के सारे पार्ट्स हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। देखिए सबसे पहले जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये जो बाहर का पार्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्रैक्ट होती है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद ये जो कलरफुल पार्ट होता है आईज का, ये वाला, इसको आयरिस बोलते हैं। और इसके अंदर का ये छोटा सा पार्ट है, होल है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। अब इनका काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो ये कॉर्निया, सबसे बाहर का जो ये पार्ट है, मैं बाकी सब सारी चीज़ें रब कर देता हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ कॉर्निया आपको फोकस करते हैं। ये देखो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया जो है उसका काम क्या होता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करना। एक होता है रिफ्लेक्ट, एक होता है रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब है जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे भी लाइट जो है वो काफ़ी सारी रिफ्रैक्ट होती है। और कॉर्निया जो है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है आई का, यानी कि लाइट सबसे पहले एंटर कॉर्निया में होगी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको कॉर्निया के बारे में बता दूं कि कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसलिए इसको ऑक्सीजन जो है वो एयर से मिलती है।
उसके बाद हम आगे की बात करें तो ये जो नीचे और ऊपर ये जो पार्ट है ना, इसको हम आयरिस बोलते हैं। ये देखो, अगर मैं फ्रंट से देखूं अपनी आईज को तो कुछ ऐसी दिखाई देंगी, यहाँ पे ऐसी लाइंस वगैरह। अपनी आईज को मिरर में देखना आप, जब आप मिरर में देखोगे ना तो आपको इसमें इस तरीके की लाइंस दिखेंगी। और ये जो चीज़ होती है ये कलरफुल होती है, जो आयरिस पार्ट होता है ये कलरफुल होता है। कुछ लोगों में ये ब्लू कलर का होता है, कुछ लोगों में ग्रीन कलर का, अगर छोटे बच्चे हैं तो 6 मंथ्स से छोटे बच्चे हैं तो उनमें ग्रे कलर का होगा, और कुछ लोगों में ब्लैक कलर के भी होते हैं। तो ये कलर जो है वो आयरिस की वजह से होता है। अब आयरिस के बीच में एक छोटा सा होल जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये इसको हम प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा सा पार्ट जो है इसको आयरिस बोलते हैं। आयरिस के अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। अब आयरिस और प्यूपिल का काम क्या है? आयरिस का काम है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, प्यूपिल को बड़ा या छोटा करना। अब आयरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा क्यों करता है? क्योंकि जब हम देखो लाइट जो है वो, मान लो कि लाइट जो है ये कॉर्निया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे ये देखिए, ये आयरिस है और आयरिस के नीचे बीच में ये छोटा सा होल है, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब लाइट बहुत ज़्यादा एंटर होती है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि आइज के अंदर के पार्ट्स जो है वो डैमेज ना हो जाए, तो आइज के अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, ताकि कम से कम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंटर हो। बट जब आप अंधेरे वाले कमरे में या कम रोशनी वाले कमरे में जाएंगे तो क्या होगा? तो प्यूपिल का साइज बड़ा होगा। यही रीज़न है कि जब आप धूप में बैठने के बाद कमरे में जाते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता। मान लो आप मूवी देखने के लिए थिएटर में गए, अब जो थिएटर में बैठे हुए हैं बड़े शान से बैठे हुए हैं, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो बाहर से आएगा वो ठोकरे खाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता उसको, बट धीरे धीरे उसकी आइज जो है वो एडजस्ट हो जाती है, उसकी प्यूपिल का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसको सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगला पार्ट जो है, ये देखो अगला पार्ट है हमारा ये बड़ा सा जो पार्ट है वाइट कलर का, इसको हम लेंस बोलते हैं। तो लेंस का काम होता है कि लाइट को बिल्कुल फाइनली रिफ्रैक्ट करना और इमेज को रेटिना पे फोकस करना। ऑब्जेक्ट, मान लो ये सामने ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पे फोकस करने के लिए ये लेंस जो है ये अपना काम करता है। उसके बाद ये लेंस जो है ये फोकल लेंथ जो है वो अपनी कैसे बढ़ाता या कम करता है, ये काम होता है सिलरी मसल्स का। देखो जब हम दूर की चीज़ देखते हैं, अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं इसके, ये देखो जब हम किसी दूर की चीज़ को देखेंगे तो हमारा लेंस, आई लेंस जो है ना ये पतला हो जाएगा, बहुत पतला होता है, ठीक है। तो ये दूर की चीज़ देखी, इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई, लेंस पतला होगा तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, ये रेटिना है, और यहाँ पे उसने इमेज बना दी। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अब पास में हो गया, दूर नहीं, अब वो बिल्कुल पास में है, थोड़ा सा ये पास में कर देते हैं इसको यहाँ पे, तो ऐसे में क्या होगा, लेंस जो है वो मोटा हो जाएगा, ठीक है। अब लेंस जो है वो मोटा हो गया, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ कम चाहिए रेटिना पे इमेज बनाने के लिए। तो ये काम करते हैं सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स जो है वो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या उसको खींच कर पतला कर देते हैं, तो ये सिलरी मसल्स का काम होता है, ठीक है। अब सिलरी मसल्स के बाद आगे का ये जो बड़ा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं। वाइट्रस ह्यूमर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो आइज के अंदर होता है। उसके बाद आगे का ये जो पार्ट है इसको हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना जो है ये एक स्क्रीन का काम करता है, जैसे प्रोजेक्टर हम चलाते हैं तो उसकी जो इमेज है वो स्क्रीन पे बनती है, वैसे ही, और प्रोजेक्टर के अंदर एक लेंस लगा होता है जो उस पर फोकस करता है, यही काम होता है आइज का भी। तो रेटिना जो है उसमें भी जो इमेज बनती है वो बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर बनती है, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। और रेटिना के अंदर एक छोटा सा एक पॉइंट होता है जिसको हम येलो स्पॉट बोलते हैं,
ठीक है। येलो स्पॉट जो है वो बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव होता है। रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड सेल्स और दूसरे होते हैं कोन सेल्स। कोन सेल्स जो है वो कलर सेंसिटिव होते हैं और रॉड सेल्स जो है वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा एक और पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स देखिए, रेटिना पे इमेज बन तो गई, अब उसको ब्रेन तक भी तो पहुंचाना है, वो काम किसका है? ऑप्टिक नर्व का। ऑप्टिक नर्व जो है वो रेटिना से इमेज लेती है और ब्रेन तक पहुंचाती है, और हमारा ब्रेन पहचान लेता है उस चीज़ को। और ऑप्टिक नर्व से पहले एक छोटा सा एक और पॉइंट होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट। ये है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी इमेज नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोन सेल्स या रॉड सेल्स नहीं होते। तो मैंने आपको सारे के सारे पार्ट्स जो थे वो ह्यूमन आई के मैंने बता दिए, कॉर्निया के बारे में मैंने आपको बता दिया, आयरिस के बारे में आपको बता दिया, प्यूपिल के बारे में आपको बता दिया, लेंस के बारे में बता दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको रीड कर सकते हो, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सिलरी मसल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, रेटिना के बारे में बता दिया, ऑप्टिक नर्व के बारे में भी बता दिया। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है तो स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि आई जो है वो हमारी कैसी काम करती है। देखो, आपको लेंस फार्मूला तो पता है, 1/V - 1/U = 1/F, ठीक है, ये आपने 10th क्लास में ये लेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा। देखिए, अब ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं, लेंस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं, लेंस से इमेज के डिस्टेंस को हम वी बोलते हैं, और एफ क्या है? फोकल लेंथ। देखिए, इमेज डिस्टेंस जो है लेंस से इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पे, हमेशा ही रेटिना पे इमेज बनेगी, तो वी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, बट यू की वैल्यू तो कभी भी फिक्स नहीं होती। कभी आप पास की चीज़ें देखते हो, कभी आप दूर की चीज़ें देखते हो, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो तो हमेशा चेंज होता रहता है। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता है तो इसका मतलब है कि आई लेंस का फोकल लेंथ भी चेंज होना चाहिए। वैसे तो लेंस का कभी भी फोकल लेंथ चेंज नहीं होता, बट हमारा जो लेंस है वो तो फ्लेक्सिबल है, तो वो अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। वो कैसे? जब ऑब्जेक्ट है दूर, तो क्या होगा कि लेंस जो है वो बहुत पतला होगा। ये आपको पता है कि लेंस जब पतला होता है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, तो इमेज जो है वो रेटिना पे बनी। वी का वैल्यू तो कभी चेंज नहीं हो सकता, जब यू का वैल्यू चेंज होगा तो एफ का वैल्यू भी चेंज होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी जब अब दूर की चीज़ें देख रहे हो, इसलिए लेंस होगा पतला। बट जब आप पास की चीज़ें देखोगे, तो देखो अब हमने चीज़ देखनी है पास की, यहाँ की, तो क्या होगा? लेंस हो जाएगा मोटा और इमेज फिर रेटिना पे ही बनेगी, तो इस बार फोकल लेंथ जो है वो कम हो गई। जैसे लेंस मोटा होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो ये काम करता कौन है? इस काम को करने में हमारी हेल्प करते हैं सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स के साथ में लगे होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ होल्ड करके रखा हुआ लेंस। जैसे ही अब दूर की चीज़ को देखा जाएगा तो सिलरी मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि जो लेंस है वो पतला हो जाता है, ठीक है, और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो जैसे ही आप पास की चीज़ देखते हो, सिलरी मसल्स जो हैं वो लेंस को दबाने लगते हैं ऊपर से और नीचे से, जिसकी वजह से लेंस हो जाता है मोटा और फोकल लेंथ उसकी कम हो जाती है, तो इमेज बनती है फिर रेटिना पे ही। तो इस तरीके से हमारी आइज जो है वो काम करती हैं। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। यही मैंने आपको जो पहले आपको बताया है कि दूर की चीज़ देखने में जो लेंस है वो पतला हो जाता है, और दूर की चीज़ देखने में जो हमारा आई लेंस है वो मोटा हो जाता है। इसी को हम, इस एबिलिटी को, लेंस की इस एबिलिटी को, अपने फोकल लेंथ के चेंज करने की जो कैपेबिलिटी है, उसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ विद द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। इसका मतलब है कि आई लेंस जो है वो, उसके अंदर एबिलिटी होती है अपने फोकल लेंथ को चेंज करने की, जो कि सिलरी मसल्स इनकी हेल्प करता है,
तो इसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेंस कितना पतला हो सकता है और कितना मोटा हो सकता है, यानी कि कितने दूर की चीज़ को आप क्लियर देख सकते हो और कितने पास की चीज़ को क्लियर देख सकते हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब है कि मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक आप चीज़ को क्लियर देख सकते हो। आप अब एक काम करो, अपनी नोटबुक या बुक जो भी आपके पास है उसको धीरे धीरे पास में लेकर आओ, आईज के पास में लेकर आओ। जैसे जैसे आईज के पास में लाओगे, एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसी पोजीशन आएगी जब और ज़्यादा इसको क्लियर आप नहीं देख पाओगे। तो वो जो डिस्टेंस होगा आई लेंस से ऑब्जेक्ट का, वो होगा 25 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस को हम नियर पॉइंट बोलते हैं, यानी कि नियर पॉइंट से पास की चीज़ को आप क्लियर नहीं देख सकते। मिनिमम डिस्टेंस जो है जहाँ पे आप किसी चीज़ को क्लियर देख सकते हो उसको नियर पॉइंट बोलते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि लेंस मैक्सिमम कितना मोटा हो सकता है कि वो 25 सेंटीमीटर तक की इमेज ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके। अब बात करते हैं फार पॉइंट, कोई लेंस कितना पतला हो सकता है। कोई लेंस इतना पतला हो सकता है कि वो, अब आप ये सोचिए कि आप मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक की चीज़ को क्लियर देख सकते हो। आप मून को देख सकते हो, आप स्टार्स को देख सकते हो। तो स्टार्स जो हैं वो इतनी दूरी पे हैं, इतने डिस्टेंस पे हैं कि आप उनके डिस्टेंस को मेयर नहीं कर सकते। कोई ऐसा डिस्टेंस जिसको आप मेयर नहीं कर सकते, हम उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो यानी कि हमारा जो फार पॉइंट है आई लेंस का, वो इन्फिनिटी है। मैक्सिमम दूरी जहाँ पे आप किसी चीज़ को क्लियरली देख सकते हो उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं, और फार पॉइंट जो है वो हमारा इन्फिनिटी है। अब हम पढ़ेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है ये देखिए, ये आपके सामने एक एनिमेशन चल रहा है। एक्चुअली ये फ्लिप बुक है। फ्लिप बुक में जब आप पेजेस को इस तरीके से फ्लिप करते हो तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे मोशन हो रहा है, मूवी चल रही है। ये एक्चुअली क्यों होता है कि हमारे रेटिना पे जो इमेज बनती है, अगर उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाए तो भी 1/16 सेकेंड्स तक उसकी इमेज हमारे ब्रेन में या रेटिना पे रहती है। तो इस चीज़ को हम परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। यही रीज़न है कि हम फ्लिप बुक को मोशन में, या इस कॉन्सेप्ट को सिनेमेटोग्राफी या मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन बोलते हैं। सारे प्रोजेक्टर्स, कैमरा के मोबाइल फ़ोन्स जो वीडियो बनाते हैं वो इसी चीज़ पे काम करते हैं। आपने देखा होगा उसके ऊपर FPS लिखा होता है, यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड। कितने फ्रेम्स एक सेकंड में वहाँ पे से फ्लिप करते हैं ये 1x1। पहले जो वीडियो कैमरा है वो इनको 1x1 कैप्चर कर लेता है इन पिक्चर्स को, और उसके बाद इसको फ्लिप करके आपके सामने दिखाता है। तो जिसकी वजह से हमें जो मूवी है वो चलती हुई दिखाई देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब आईज का काम क्या होता है, देखना। और अगर आईज में कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाए जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं देख सको तो उसको डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा डिफेक्ट आता है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरैक्ट। 1x1 इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। पहला डिफेक्ट हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर की चीज़ें जो है वो क्लियरली दिखाई देती है, बट पास की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती। ये क्यों होता है, क्योंकि जो लेंस है ना आई का, उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, या फिर आई बॉल जो है वो छोटा हो जाए। इससे क्या होगा कि ये जो कन्वेक्स लेंस है ना यहाँ आईज में, इसमें क्या होगा कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसे लेंस का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि उसकी इमेज जो है वो रेटिना पे बने, यानी कि कन्वेक्स लेंस का हम इस्तेमाल करेंगे, किसी खास फोकल लेंथ की कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि इमेज जो है वो रेटिना पे बने। अब उसके बाद है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है, बट पास की चीज़ें जो हैं वो क्लियरली दिखाई देती हैं। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनती है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो लेंस होता है आई का, इसकी डाइवर्जिंग पावर कम हो जाती है, या फिर आई बॉल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है,
एक खास फोकल लेंथ के कनकेव लेंस का इस्तेमाल करना होगा, जिससे फोकल लेंथ जो है वो क्या हो, बढ़ जाए। तीसरा डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि एज के साथ साथ, एज जैसे जैसे एज बढ़ती है, आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो कम होने लगती है। इसमें क्या होता है कि दूर की नज़र और नज़दीक की नज़र दोनों कमज़ोर हो जाती है। तो इसके लिए एक ऐसे चश्मा बनवाया जाता है जिसमें दूर की नज़र भी और पास की नज़र भी दोनों ठीक हो जाए, यानी कि ऊपर का पार्ट जो है वो कनकेव लेंस और नीचे का पार्ट जो है वो कन्वेक्स लेंस होगा। इसमें क्या होगा कि जब दूर की चीज़ देखनी होगी तो नज़र उठाकर, और जब पास की चीज़ देखनी होगी तो नज़र झुकाकर देखनी होगी। अब अगला जो डिफेक्ट है वो है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है कि जो आई लेंस होता है वो या तो मिल्की हो जाए या क्लाउडी हो जाए, उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि सर्जरी से इस आई लेंस को रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह पे नया आई लेंस लगा दिया जाए। अब पढ़ेंगे आई डोनेशन। आई डोनेशन, देखो आई जो है वो चाहे किसी भी एज का पर्सन हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबकी आईज का साइज तो सेम होता है। इसका मतलब कि कोई भी पर्सन जो है वो अपनी आईज को किसी को भी डोनेट कर सकता है, बट जिंदा इंसान जो है वो थोड़े ना आईज को डोनेट करेगा, क्योंकि उसको भी तो पूरी दुनिया देखनी है। इसके लिए क्या होगा कि वो मरने से पहले अपनी विल में लिख जाता है कि मेरी मरने के बाद आईज को डोनेट कर दिया जाए। तो जब भी उसकी डेथ होती है उससे 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर 4 to 6 hours में सबसे नज़दीक के आई बैंक को कॉन्टैक्ट किया जाता है। फिर आई बैंक से कुछ लोग आते हैं और 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है और उससे आईज जो है वो रिमूव कर दी जाती है और डेड बॉडी जो है वो फैमिली मेम्बर्स को सौंप दी जाती है। आई डोनेट कौन कौन कर सकता है? कोई भी पर्सन, चाहे वो कैंसर, उसको कैंसर हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो, चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो, वो भी आईज को डोनेट कर सकता है। सिर्फ कम्युनिकेबल या इन्फेक्शन डिसीज से अगर किसी की डेथ हुई है तो वो आईज को डोनेट नहीं कर सकता। अब पढ़ेंगे कि हमारी जो आईज होती हैं वो सामने की तरफ क्यों होती हैं। तो गाय भैंसें हैं, भैंस की आँख देखो, एक इस साइड पर है और दूसरी इस साइड पर है, ऑपोजिट साइड्स पे है। तो बट हमारी आईज जो है वो तो फ्रंट में होती है, वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो शिकार होने वाले जानवर हैं, जैसे बफलोज है, गोट है, शीप, हॉर्स, ये वो जानवर जो शिकार होने वाले हैं उनकी आईज जो है वो साइड पे लगी होती है, ताकि वो आगे का व्यू, पीछे का व्यू, साइड का व्यू सब कुछ देख सके, ठीक है, हर डायरेक्शन में देख सके। तो 360 डिग्री का व्यूज मिलता है इनको। बट हमारी आईज में ऐसा क्या होता है? हम एक्चुअली ना, ये जो एनिमल्स होते हैं ये 2 डायमेंशनल चीज़ें देख सकते हैं, 3 डायमेंशनल चीज़ों को नहीं देख सकते। अब एक काम करो, अपनी एक आई को बंद करो, अब आपको जो भी चीज़ दिखाई देगी वो 2 डायमेंशनल होगी, आप किसी भी डिस्टेंस को एग्जैक्टली जज नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी दोनों आईज होती हैं, मान लीजिए कि ये दोनों आईज हैं, दोनों फ्रंट पे हैं, एक आई ये इमेज बनाएगी, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस आई ने जो इमेज बनाई, उसके बाद ये इमेज और उसके बाद ये आईज ने जो इमेज बनाई, ये दोनों इमेजेस मिलकर एक इमेज बनेगी जो 3 डायमेंशनल इमेज होगी। इसीलिए हमारी आईज जो है वो फ्रंट में होती है, और एक आई से 105 डिग्री का व्यू मिलता है, दूसरी आई से भी 105 डिग्री का व्यू मिलता है, दोनों आईज मिलके हमें 180 डिग्रीज का व्यू देते हैं, ठीक है। इस चीज को हम स्टीरियोप्सिस बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। अब प्रिज्म जो है उसमें से लाइट कैसे ट्रेवल करती है और कैसे बेंड होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन पढ़ा था और एक रिफ्रैक्शन पढ़ा था। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से, मान लीजिए कि ये एक मीडियम है डेंसर मीडियम और इधर वाला जो मीडियम है रेयरर मीडियम। अब मैं आपको बता देता हूँ रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या फ़र्क होता है। रेयरर मीडियम में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, जैसे एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, और डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास में होते हैं, जैसे वाटर है, ग्लास, डायमंड, ये।
जब लाइट एक मीडियम से ट्रैवल करती हुई दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ये मान लीजिए कि ये इंसिडेंट रे है जो ट्रैवल कर रही है। अब इसको जाना तो सीधे चाहिए, ऐसे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट एक्चुअल में ये इस डायरेक्शन में ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जब ये लाइट बाहर निकलने लगती है प्रिज्म में से, तो जाना इसको किस डायरेक्शन में चाहिए था, इस डायरेक्शन में, बट ये इस डायरेक्शन में ना जाके नॉर्मल से दूर बेंड होती है। या आपको बता दो कि जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब बाहर निकलती है तो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। बट प्रिज्म की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है कि दो बार लाइट इसमें से बेंड होती है। तो कितनी लाइट जो है वो बेंड हुई, ये लाइट थी इंसिडेंट रे और ये है लाइट जो बाहर निकली है यानी कि रिफ्रैक्टेड रे। इन दोनों को अगर एक पॉइंट पे कंबाइन किया जाए तो ये वाला जो एंगल है, मैं इसकी इंक का कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि इतनी लाइट बेंड हो गई। अब पढ़ते डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास प्रिज्म को एक खास एंगल पे लाइट के सामने रखोगे तो उसमें से दूसरी साइड पे लाइट जो निकलेगी वो 7 कलर्स की होगी, ठीक है। सबसे ऊपर होगा रेड कलर और सबसे नीचे वायलेट कलर। अब वायलेट होगा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर्स में लाइट जो है वो डिस्पर्स होगी। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखरना। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट होती है, सन की लाइट, वो 7 कलर्स को मिला के ही बनी होती है। जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स को मिला के बनी होती है। बट प्रिज्म में से पास होते ही ये सारी की सारी लाइट्स जो है वो डिस्पर्स हो जाती है। एक्चुअली लाइट जो है जब प्रिज्म में से पास होती है तो दो बार डेविएट होती है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्पर्स होती है। देखिए, अगर रेड कलर है तो आपने देखा होगा कि रेड कलर सबसे कम बेंड हुआ और वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा बेंड हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसकी रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो लगभग 700 नैनोमीटर होती है और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर होती है। अब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम बेंड होगी। एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे, यहाँ से बाकी सारी चीज़ें रब कर देते हैं। जो मेन चीज़ है समझाने वाली वो समझाता हूँ मैं आपको। ये मेरे पास ब्लू कलर है या वायलेट कलर है, तो ये देखो, ये वेवलेंथ हो गई वायलेट कलर की और ये वेवलेंथ हो गई रेड कलर की, ठीक है। ये जो ऊपर का पॉइंट होता है ना, ये वाला, इस दोनों में से जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। जो वेव की क्रेस्ट होती ना, दो एडजस्टेंट क्रेस्ट होती है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ये और ये, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोलेंगे। अब किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, वायलेट कलर की वेवलेंथ कम है। तो जो चीज़ लंबी है उसको टर्न करने में, बेंड करने में जो स्पेस है वो ज़्यादा चाहिए, वो जल्दी बेंड नहीं होगी। ट्रेन है तो ट्रेन जल्दी नहीं मोड़ काट पाएगी, जल्दी नहीं मुड़ पाएगी, बट जो बाइक है या साइकिल है तो वो तो जल्दी मुड़ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि रेड कलर जो है वो जल्दी नहीं मुड़ पाया, इसलिए तो रेड कलर की वेवलेंथ जो है ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे कम बेंड हुई। बट वायलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा बेंड हुआ, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली ये बेंड हुए। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ये जो 7 कलर्स का बैंड बनता है ना, इसको ही हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर बनते, 7 कलर्स बनते हैं जब वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है। अब इसको चेक करना हो कि 7 कलर्स मिला के ही वाइट लाइट बनती है, तो इस तरीके की एक डिस्क आप बनाओ जिसके ऊपर 7 कलर्स आप ड्रॉ करो। चाहे कलर्स आते हैं ना मार्केट में, तो उससे आप इस 7 कलर्स इस तरीके से ड्रॉ करो। अब उसको क्या करो, इस डिस्क को आप फैन के ऊपर
या किसी मोटर के साथ कनेक्ट कर दो, या तो फैन के साथ चिपका दो या फिर मोटर के साथ कनेक्ट कर दो, और उसको जब आप रोटेट करोगे तो वो 7 कलर्स आपको नहीं दिखाई देंगे। कौन सा कलर दिखाई देगा वाला आपको? आपको दिखाई देगा वाइट कलर, ठीक है। स्टूडेंट्स, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल किया और उसमें से, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये तो ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल किया और उसमें से वाइट लाइट को जब पास किया तो दूसरी साइड पे 7 कलर्स में वो लाइट डिस्पर्स हुई। जहाँ पे 7 कलर्स बने थे वहीं पे उसने एक और प्रिज्म लिया और उसको इन्वर्टेड डायरेक्शन में यानी उल्टा प्रिज्म लगाया, तो उसने देखा कि उसमें से जो 7 कलर्स की लाइट थी ग्लास प्रिज्म की दूसरी साइड पे, वाइट कलर की लाइट जो थी वो निकल रही थी। एक ग्लास प्रिज्म ए लिया उसने जो कि सीधा था, उसमें से 7 कलर्स बाहर निकले। दूसरा ग्लास प्रिज्म उसने बी लिया। अब बी वाले ग्लास प्रिज्म में से जो लाइट निकली वो वाइट कलर की, यानी कि लाइट जो थी डिस्पर्स होने के बाद दूसरे ग्लास प्रिज्म में जब एंटर हुई तो वो रिकम्बाइन हो गई। इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। अब ये पिक्चर को गैस करो, ये क्या है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये है रेनबो। तो रेनबो कब बनता है? जब बारिश होती है। तो एक चीज़ आप बताओ कि ये ग्लास प्रिज्म में से जब वाइट लाइट पास हुई तो 7 कलर्स बने, और सेम वैसे ही सेम वही कलर जो हैं वो रेनबो में भी बनते हैं। इसका मतलब कि बहुत बड़ा प्रिज्म एक नेचर में है या फिर बहुत सारे छोटे छोटे प्रिज्म मिलके ये उसमें से जब लाइट डिस्पर्स होती है तो ये रेनबो बनता है। अब रेनबो कब बनता है, कहाँ बनता है, अब पहले वो देख लेते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि रेनबो कैसे बनता है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, सन जो है वो आपकी बैक साइड पे हो और आपके फ्रंट पे हमेशा रेनबो बनेगा। और रेनबो कब बनेगा? बारिश होने के बाद जो हैवी ड्रॉप्स होती हैं वो तो ग्रेविटेशन की वजह से जल्दी नीचे पहुंच जाती है, बट छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो है वो हवा में तैरती रहती हैं। अब जैसे ही सूरज निकलता है उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर लाइट पड़ती है जो कि लाइट को डिस्पर्स करते हैं और डिस्पर्शन होती है जिससे रेनबो बनता है। अब रेनबो जो है वो कैसे बनता है? देखिए, वाइट लाइट जब ये बड़ी सी ड्रॉपलेट है पानी की, वाटर ड्रॉपलेट है बारिश की बूंद की, इसमें से जब वाइट लाइट पास होगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, सेम प्रिज्म जैसा ही काम करेगी, और जब बाहर निकलने लगेगी तो फिर से एक बार बेंड होगी। जब लाइट दो बार बेंड हो गई तो ये प्रिज्म का काम कर रही है वाइट ड्रॉपलेट, तो इसका मतलब है कि रेनबो बनेगा। इस तरह की करोड़ों लाखों पता नहीं कितनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आसमान में होती हैं जिससे बड़ा सा रेनबो बनता है। और रेनबो आप घर पे भी बना सकते हो वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करके। धूप में आप वाटर स्प्रिंकलर से जब वाटर को स्प्रिंकलिंग करोगे तो इस तरीके का रेनबो बनेगा। दूसरा, अगर आप रेनबो जो है वो किसी दीवार पे बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, एक कटोरी या ग्लास में वाटर डालो, उसको आधा आधा वाटर से भरो और उसके बाद उसमें मिरर डाल दो जो कि आधा पानी में डूबा हो और आधा बाहर हो। इसकी रिफ्लेक्शन जहाँ पे भी पड़ेगी, इसके सामने जब लाइट पड़ेगी, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे भी पड़ेगी वहाँ पे 7 कलर का रेनबो बनेगा। अब हम पढ़ते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? आपने कभी, आप गर्मियों में देखा होगा दूर सड़क पे ऐसे लगता है जैसे जो सामने जो चीज़ है वो फ्लटरिंग कर रही है। डेजर्ट में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि सामने वाली चीज़ फ्लटरिंग कर रही है। ऐसा क्यों होता है कि जब गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो गर्म हवा होती है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठती है। ये तो आपको पता होगा कि गर्म हवा हल्की होती ऊपर की तरफ उठती है, और दूसरी चीज़ के गर्म हवा में पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर होते हैं, यानी कि ये मीडियम रेरर मीडियम होता है। अब जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आएगी। ठंडी हवा नीचे आएगी और ठंडी हवा जो है वो डेंसर होती है और हैवी होती है। तो ये
जो एयर है ये हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है और ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा और ये वेविंग सी हमें दिखाई देगी। ज़्यादातर आपने आग के ऊपर भी देखा होगा कि इमेज जो है वो स्टेबल नहीं होती, वो बार बार रोटेट ऐसे फ्लटरिंग कर रही होती है। तो ये था लोकल लेवल का एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन को बड़े लेवल का देखना है तो चलिए ये, अब ये क्या है स्टार, आप मान लीजिए कि स्टार को देख रहे हो, तो स्टार से लेके अर्थ के एटमॉस्फेयर से पहले तक कहीं पे भी कोई एयर नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है। तो लाइट स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती हुई आ रही है, ये रेरर मीडियम है। जैसे ही लाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो एयर की चेंज होती है, ऊपर हवा गर्म होती है, नीचे की तरफ ठंडी होती है, तो लगातार लाइट जो है वो बेंड करती हुई हमारी आइज में पहुंचेगी। बट हमें तो हर चीज़ स्ट्रेट लाइन में देखने की आदत है, तो जब हम स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो हमें स्टार जो है वो इस पोजीशन पे दिखाई देगा। एक्चुअल पोजीशन स्टार की ये है और जहाँ पे दिखाई देता है उसको एपरेंट पोजीशन बोलते हैं, ये एपरेंट पोजीशन है स्टार की। और देखिए स्टार अपीयर जो है वो ऊपर हो रहा है और एक्चुअल पोजीशन नीचे है, इसका मतलब है कि स्टार जहाँ पे भी आपको दिखाई देता है एक्चुअली वहाँ से थोड़ा नीचे होता है। अब हम पढ़ेंगे, ये देखो हम बचपन से एक पोइम सुनते आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बट अब हम पढ़ेंगे कि स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। स्टार्स की जो लाइट है बड़ी दूर से ट्रेवल करती हुई आती है, क्यों? क्योंकि स्टार्स बहुत दूर होते हैं और एक पॉइंट सोर्स का काम करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही लाइट एंटर होगी इनकी, तो वो बेंड होगी, ये तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड होगी। बट अर्थ के एटमॉस्फेयर में हर टाइम एयर एक जैसी नहीं होती, उसकी डेंसिटी एक जितनी होती है, हर टाइम चेंज होती रहती है। तो कभी डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टार जो है वो कभी तो ब्राइट होंगे और कभी तो फेंट होंगे, और इसकी वजह से ये ट्विंकलिंग इफेक्ट शो होता है। अब प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते? अब आसमान में जब रात को आप देखोगे तो जो चीज़ ट्विंकलिंग कर रही है वो स्टार है, बट जो चीज़ ट्विंकलिंग नहीं कर रही वो प्लैनेट है। बट आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि प्लैनेट्स ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लैनेट्स जो है वो स्टार के कंपैरेटिवली बहुत पास में है, और जब उनकी लाइट हमारी आइज तक पहुंचती है तो वो एक पॉइंट सोर्स का काम तो ज़रूर करते हैं, बट उनकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो पॉइंट सोर्स से ज़्यादा दूर नहीं होती। यही रीज़न है कि प्लैनेट्स ट्विंकलिंग नहीं करते। सन जो है वो राइज होने से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और सनसेट होने के बाद 2 मिनट तक दिखाई देता है, ऐसा क्यों? यही सेम रीज़न है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि सन की लाइट जो है वो अर्थ एटमोस्फेयर में जब एंटर होती है तो वो बेंड होती है। बट हमें तो हर चीज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई दिखने की आदत है, लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, हमें पता है। इसका मतलब है कि सन जो है वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने यहाँ पे है, बट एक्चुअली जो पोजीशन है वो सन की यहाँ पे है, और जो एपरेंट पोजीशन है वो यहाँ पे है। इसका मतलब है कि सन राइज से 2 मिनट पहले और सनसेट से 2 मिनट बाद हमें सन दिखाई देता है। अब पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना। अब जब ये देखिए टॉर्च से जब लाइट निकल रही है तो इसके रास्ते में कुछ डस्ट पार्टिकल्स है या वाटर वेपर्स है, तो जब लाइट इनके साथ टकराती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर बिखरती है और अगले डस्ट पार्टिकल पे लाइट जाती है। तो मैं ये एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। ये देखो ये मैंने बना दी टॉर्च, तो टॉर्च में से ये मान लीजिए कि लाइट जो है वो निकल रही है और रास्ते में इसको डस्ट पार्टिकल्स जो है वो इसके सामने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि ये डस्ट पार्टिकल्स चमकने लगेंगे और इसकी वजह से ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। टिंडल इफेक्ट भी इसकी एक मेजर एग्जाम्पल है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि स्काई जो है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? आसमान में जब सूरज चमकता है तो उसकी जो लाइट होती है वो अर्थ एटमॉस्फेयर पे जब एंटर होने लगती है तो
क्योंकि आपको पता है कि लाइट जो है वो 7 कलर्स की बनी हुई है। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो वायलेट कलर है वो स्कैटर्ड हो जाता है, यानी कि बिखर जाता है, बट इतना ज़्यादा बिखरता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है, इसलिए वो बिखर जाएगा और इतना ज़्यादा बिखर जाएगा कि वो दिखेगा ही नहीं। उसके बाद इंडिगो कलर है, तो इंडिगो कलर भी रास्ते में बिखर गया, बट ब्लू कलर भी स्कैटर्ड होगा, बट तब तक हमारी आइज तक पहुंच चुका होगा और पूरे स्काई में वो ब्लू कलर दिखाई देगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी के जो कलर है, रेड, ग्रीन, येलो, ये क्यों नहीं दिखाई दिए हमें, क्योंकि ये इनकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि ये डायरेक्टली अर्थ तक पहुंच जाते हैं, ये रास्ते में नहीं बिखरते। अब अगला क्वेश्चन है कि सूरज डूबने के टाइम पे या निकलने के टाइम पे रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। सन जो है दोपहर के टाइम पे वो वाइट कलर का दिखता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसकी जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचती है बिना स्कैटर्ड हुए। बट जब सन हॉरिजन पे होता है, हॉरिजन का मतलब सामने होता है, तो इसकी जो लाइट ट्रैवल करके हमारी आइज तक पहुंचती है, तो इसकी लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है। बट इसमें से वायलेट कलर भी रास्ते में बिखर गया, इंडिगो भी रास्ते में बिखर गया, बाकी सारे कलर जो है वो रास्ते में बिखर गए, बट रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए हमारी आइज तक पहुंच गया, इसलिए सन जो है वो आपको रेड कलर का दिखाई देगा। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो डेंजर सिग्नल्स हैं यही रीज़न है कि वो रेड कलर के होते हैं। और डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लॉन्गेस्ट, बिना डेविएट हुए, बिना स्कैटर्ड हुए, रेड लाइट जो है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए पहुंचती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।